हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे नेटकास्ट ऑन वेब टेक जोन। आज हम सीखेंगे दोस्तों हाउ टू बैकअप योर फोटोज़, मोबाइल फ़ोटोज़ इन गूगल फोटोज़। गूगल फोटोज़ में आप अपने फ़ोटोज़ को बैकअप कैसे ले सकते हो, ऑटोमेटिक बैकअप्स, मैनुअली बैकअप सब सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी नए लोग हैं ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग मेरे से अभी तक जुड़े नहीं हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ही हम मोटिवेट होते हैं और हम मोटिवेट होंगे तो ही अच्छा कंटेंट बनाएंगे, अच्छे वीडियोज़ बनाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस है नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना। तो चलो दोस्तों, जाते हैं अपने फ़ोन में। ये मेरा फ़ोन है, तो दोस्तों यहाँ पे प्ले स्टोर में आपको जाना होगा। प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे आपको गूगल फोटोज़ ढूँढना है। ये देखिए गूगल फोटोज़, गूगल फोटोज़ आपको हर एक फ़ोन में मिलेगा, आपके भी फ़ोन में रहेगा। अगर रहेगा तो यहाँ पे अगर अपडेट का ऑप्शन है तो अपडेट कीजिए, अपडेट करने के बाद ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको गूगल अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ता है, जिस गूगल अकाउंट में आप अपना फ़ोटो बैकअप लेना चाहते हो। तो यहाँ पे छोटा एरो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आपको अकाउंट चाहिए आपके फ़ोन में ऐड है उनको सिलेक्ट करना है। अगर इनमें से कुछ कोई नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, तो ऐड अनदर अकाउंट आपको करके यहाँ पर ऐड करना है। और एंड ऑफ द डे आपका अकाउंट यहाँ पे आना चाहिए, नीचे है तो उनको सिलेक्ट कीजिए, ओके। अभी अकाउंट भी सब सिलेक्ट होने के बाद आपको ये बैकअप इस ऑफ है आपका, इसको आपको टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन कीजिए, ईमेल आईडी फिर से चेक कीजिए और यहाँ पे हाई क्वालिटी ओरिजिनल क्वालिटी पे क्लिक कर लीजिए। इसको आप रखिए बिकॉज बैकअप आपका वाईफाई में चलेगा। अगर इसको ऑन रखते हो तो आपका जो बैकअप होता है वो सेल डेटा, मतलब आपके सिम कार्ड के डेटा में चलेगा, जिससे आपका डेटा ज़्यादा ख़त्म हो सकता है। अगर आपको सिम कार्ड के डेटा में बैकअप चाहिए तो इसको ऑन रख देना। तो कंफर्म कर देना बैकअप ऑन हो गया, तो ये बैकअप करते रहेगा। ये देखिए मेरे फ़ोटोज़ बैकअप हो रहे हैं। तो जब भी आप नया फ़ोटो लोगे मोबाइल में, कैमरे से या व्हाट्सएप से, ये फ़ोटोज़ अपने आप बैकअप होते रहेंगे। और जब भी आपके नया फ़ोन लोगे, आपका फ़ोन गुम हो जाता है, तो नए फ़ोन में आपको फ़ोटोज़ डाउनलोड गूगल फ़ोटो आपके एप्लीकेशन में जाके उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा जिस ईमेल आईडी से आप लॉगिन किए हो। और आपको सेटिंग में जाके, यहाँ आपको यहाँ पे नए फ़ोन में सेटिंग में जाके आपको क्या करना है, फ़ोटो सेटिंग में जाके बैकअप एंड सिंक्रोनाइज़ में क्लिक करके आपको बैकअप सिंक्रोनाइज़ ऑन करना है और वो ईमेल आईडी चूज़ करना है जिस ईमेल आईडी से आप फ़ोटो लेना चाहते हो, तो ठीक है। तो ये हो गया, फ़िलहाल के लिए बैकअप ऑफ कर देता हूँ, मुझे बैकअप ओके। तो दोस्तों अगर मैनुअली करना चाहते हो तो अपने फ़ोटोज़ में जाइए, जो भी फ़ोटोज़ आपको मैनुअली करना है उस फ़ोटो पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए बैकअप नाउ का ऑप्शन आता है यहाँ पे, इसको थोड़ा ऊपर स्लैश करेंगे या ऊपर आएगा ऑप्शन यहाँ पे बैकअप का, या ये इस पर क्लिक करोगे तो ये भी ऑप्शन आ जाएंगे। तो बैकअप नाउ करोगे तो ये बैकअप हो जाएगा आपके गूगल ड्राइव में। ये देखो अपलोड हो रहा है उसी ईमेल आईडी पे, ठीक है। मैनुअली भी कर सकते हो और एक एक इमेज को। तो दोस्तों ऐसे ही गूगल फोटोज़ पे आप फोटो अपलोड कर सकते हो। आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।